लंबे समय से बॉलीवुड फिल्मों में नजर नहीं आई एक्ट्रेस पायल रोहतागी इन दिनों सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियोस और ट्वीट की वजह से सुर्खियों में है। पायल रोहतागी कई बार बॉलीवुड के दूसरे सेलेब्स को भी निशाने पर लेती नजर आई और अब उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे भाजपा विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी मिश्रा पर भड़क उठी हैं। पायल ने साक्षी मिश्रा के वीडियो को सोच समझ कर साजिश के तहत उठाया गया कदम बताया है। जी हाँ, पायल रोहतागी ने कहा है साक्षी मिश्रा ने एक ऐसे आदमी से शादी की है जो उम्र में उनसे दुगना बड़ा है। वो अपने परिवार के खिलाफ गई लेकिन अपने वीडियो में वे राजनीति शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं जो ये दिखाता है कि वे कोई भोली भाली ना समझ लड़की नहीं है। जी हाँ, उसने सोच समझ कर ये वीडियो बनाया है। नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहतागी और आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि मैंने उड़ती हुई खबर सुनी है कि कैसे 49 फिल्म मेकर्स ने एक लेटर लिखी है टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कन्वेइंग देयर कंसर्न कि कैसे उन्हें डर लगता है क्योंकि सेक्युलर भारत के अंदर माइनॉरिटी कॉम को लिंच किया जा रहा है जय श्री राम के नाम पर। तो ऑब्वियसली मुझे लगा कि आई नीड टू काइंड ऑफ मेक अ वीडियो ऑन दिस बिकॉज ऑब्वियसली ये जो सूडो लिबरल्स है और हिंदूफोबिक बॉलीवुड के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स है इनका हिपोक्रेसी एक्सपोज करने का मुझे जो मजा आता है वो आप सबको तो पता चल ही गया होगा अभी तक। तो सबसे पहले ये जो 49 फिल्म मेकर्स हैं डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जिनमें अपर्णा सेन या कोंकणा सेन या अनुराग कश्यप या शुभा मुडगल जैसे नाम हैं वो शायद आजकल कुछ ज्यादा काम नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं बैठ के पॉलिटिक्स में रुचि लेती हूँ। तो शायद ये 49 फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के पास भी काम नहीं होगा इसलिए वो आजकल बैठ के प्रधानमंत्री को लेटर लिख रहे हैं। कुछ महीने पहले ऑब्वियसली बिफोर द लोकसभा इलेक्शंस 600 ऐसे फिल्म मेकर्स ने भी लेटर लिखी थी और कहा था भारत की जनता को कि प्लीज डू नॉट वोट फॉर बीजेपी बिकॉज बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है वो सबको डिवाइड करती है जबकि हम सबको पता है कि बीजेपी गोज आउट ऑफ द वे टू प्रमोट दैट टैगलाइन सबका साथ सबका विकास नाउ सबका विश्वास विच इज समटाइम्स वेरी इरिटेटिंग क्योंकि हमने देखा कि कैसे ये जो डरा हुआ मुसलमान टैगलाइन प्रमोट किया जा रहा था बाय दीज लिबरल्स वाज कंप्लीटली रॉन्ग एंड वी सॉ केसेस वेयर इंडियन मुस्लिम्स हैव कम ऑन द रोड एंड डिस्ट्रॉयड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। हमने देखा कि कैसे 3 साल की बच्ची ट्विंकल शर्मा का रेप किया गया बाय मुस्लिम रेपिस्ट। हमने ये भी देखा कि कैसे एक मॉब ने अल्लाह अकबर चैंट करते हुए माँ दुर्गा का नियरली 100 साल से पुराना टेम्पल डिस्ट्रॉय किया चांदनी चौक के अंदर। तो ये सब इंसिडेंट्स और ये जो इंसिडेंट्स होते हैं ये डरे हुए होने के इंसिडेंट्स नहीं होते मगर हमारे देश के अंदर ये जो बॉलीवुड में काम करने वाले फिल्म मेकर्स एक्टर्स डायरेक्टर्स होते हैं इनको फंडिंग मिलती है और फंडिंग बाहर से आती है और ये जो इनको फंडिंग देते हैं ये ऑब्वियसली इनको कहते हैं कि आप ऐसा हिंदूफोबिक ड्रामा प्रमोट करिए क्योंकि ये करने से आपको आई थिंक फंडिंग मिल जाएगी फॉर योर प्रोजेक्ट। सो नाउ दिस इज दिस न्यू ड्रामा बाय दिस 49 पीपल विच इंक्लूड्स माय फेवरेट अनुराग कश्यप हु डिड ड्रामा अबाउट हिज डॉटर आल्सो बीइंग रेप्ड व्हेन अ ट्रोल अकाउंट काइंड ऑफ टैग्ड हिम एंड एवरीबॉडी टुक हिम सीरियसली बिकॉज ही वॉज फ्रॉम द लेफ्टिस्ट कैंप। So, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ इन लोगों को क्योंकि इन लोगों ने जय श्री राम यूज किया है अपनी लेटर के अंदर। इनको क्या जय श्री राम का मतलब भी पता है? जय श्री राम यानी विक्ट्री टू रामा, रामा यानी भगवान राम इज मेंशन्ड इवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्योंकि ये लोग हरदम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये लोग हरदम भारत के संविधान की बात करते हैं मगर इनको ये भी नहीं पता कि रामा का जिक्र भारत के संविधान के अंदर किया गया है क्योंकि सनातन धर्म विश्व का सबसे पुराना धर्म है और सनातन धर्म के फॉलोअर्स को कन्वर्ट किया गया जोर जबरदस्ती से बाय मुगल इन्वेडर्स एंड अदर क्रिश्चियन मिशनरीज। सो क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों का ओरिजिन हुआ अ लॉट ऑफ इयर्स आफ्टर द एग्जिस्टेंस ऑफ सनातन धर्म। द फॉलोअर्स ऑफ भगवान राम ने मुस्लिम ट्रेडर्स को इंडिया में रहने दिया और ऑब्वियसली ये मुस्लिम ट्रेडर्स ने अपनी क्या कहते हैं ट्राइब बढ़ाई बाय गेटिंग मैरिड टू हिंदू गर्ल्स ईदर फोर्सफुल or through love jihad whatever you want to name it and that is how they increased their population क्योंकि आज की तारीख में भारत के अंदर 40 करोड़ इंडियन मुस्लिम्स हैं जो शायद लीगली और इलीगली रहते हैं मगर हम इंडियन मुस्लिम्स को माइनॉरिटी करके प्रमोट करेंगे क्यों? क्योंकि हम बॉलीवुड में काम करने वाले फिल्म मेकर्स और एक्टर्स और डायरेक्टर्स हैं। तो
मैं इनकी हिपोक्रेसी इतनी समझ चुकी हूँ कि ऑब्वियसली जब ऐसी न्यूज मेरे पास आती है तो मैं अपना सारा काम छोड़ के ये वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोगों को भी समझ पड़े कि इन लोगों की जो पिक्चरें देखने आप जाते हो, ये लोग कितना एंटी हिंदू थॉट प्रोसेस रखते हैं। क्योंकि जय श्री राम यानी विक्ट्री टू रामा बोलने से कोई भी इंडियन मुस्लिम छोटा नहीं हो जाएगा। इंडियन मुस्लिम्स को तो विक्ट्री टू रामा यानी जय श्री राम बोलना चाहिए, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स को रामा के फॉलोअर्स ने इंडिया में रहने दिया, और उनके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं सनातनी थे, क्योंकि उनके एंसेस्टर्स को कन्वर्ट किया गया, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जन्म ही बहुत सालों बाद हुआ। सो जो इंडियन मुस्लिम्स भारत में रहते हैं उनके लिए जय श्री राम यानी विक्ट्री टू रामा बोलना एक खराब बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रामा और अल्लाह दोनों भगवान का नाम है। And Allah is just an Arabic name for God. God is one. We all say that. And सब धर्म में यही सोच होनी चाहिए कि God is one. चाहे वो अल्लाह हो या रामा हो. अल्लाहु अकबर यानी no one is greater than Allah. If you can say that, then जय श्री राम, victory to Rama can also be said by the Indian Muslims. क्योंकि Indian Muslims के ancestors रामा के फॉलोअर्स थे, जिनको कन्वर्ट किया गया बाय मुगल इन्वेडर्स एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। तो ये जो जय श्री राम बोलने पे जो ड्रामा हो रहा है इंडिया के अंदर, ये बहुत गलत है, क्योंकि भगवान राम की कहानी भारत के कण कण में बसी हुई है। वी नो अबाउट सो मेनी इंसिडेंट्स एंड एग्जाम्पल्स वेयर भगवान राम की कहानी एशिया में है, श्रीलंका में। You know about the Ravan storyboard in Sri Lanka. We know about the Ram Setu thing that made Rama go from Bharat to Sri Lanka. तो इतना सब कुछ होने के बावजूद people doubt the existence of Bhagwan Ram. And obviously जय श्री राम बोलने पे Indian Muslims को उकसाया जाता है कि आप ऐसा मत बोलो। इसके अलावा लोग कह रहे हैं ये letter के अंदर कि जय श्री राम बोलने वाले जय श्री राम जो नहीं बोलते हैं उनको लिंच किया जा रहा है भारत के अंदर। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो गलत इंफॉर्मेशन है इस लेटर के अंदर, बिकॉज बहुत सारी लिंचिंग्स हिंदूज के साथ भी होती है। रामलिंगम की लिंचिंग हुई तमिलनाडु के अंदर जब उसने कन्वर्जन स्टॉप करने की कोशिश करी बाय मुस्लिम क्लेरिक्स इन हिज दलित नेबरहुड। बहुत सारे आरएसएस के वर्कर्स को मारा गया कश्मीर के अंदर। तो ये जो इंफॉर्मेशन होती है अबाउट लिंचिंग एंड डेथ ऑफ हिंदूज बाय द मुस्लिम्स और बाय द पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन, इसके ऊपर बॉलीवुड कभी आवाज नहीं उठाता। बॉलीवुड कभी 1984 में सिख जेनोसाइड के ऊपर कभी उसने आवाज नहीं उठाई। बॉलीवुड ने कभी 1990 कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड के ऊपर आवाज नहीं उठाई, मगर बॉलीवुड को सो कॉल्ड एक आदमी तबरेज अंसारी की डेथ के ऊपर इतना हंगामा क्रिएट करना है। क्यों? क्योंकि वो तबरेज अंसारी चोर था मगर वो था इंडियन मुस्लिम। तो इसलिए ये टॉपिक को लेकर उनको एक लेटर लिखना है और ये टॉपिक वो यूएन भी लेके चले जाएंगे। सो दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ बॉलीवुड। बॉलीवुड इज हिंदूफोबिक एंड वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। अपर्णा सेन हो या अनुराग कश्यप हो, ये लोग अच्छे फिल्म मेकर होंगे अपने घर के अंदर, पर जो आदमी अपने देश के प्रति अपने धर्म के प्रति सही नहीं है, वो आदमी चाहे कितना भी अच्छा फिल्म मेकर क्यों ना हो, मैं उसकी इज्जत नहीं करती हूं। सो टू एवरीबडी एंजॉय दिस सो कॉल्ड लेटर दैट ये हिंदू फोबिक बॉलीवुड ने लिखा है टू द प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हिंदुस्तान के अंदर सबके लिए एक सजा होनी चाहिए, ना कि ये कहा जाए कि अगर मुस्लिम की मौत होती है ओवर एन इंसिडेंट तो वो बहुत बड़ी घटना है, मगर एक हिंदू की मौत होती है भारत के अंदर तो वो बड़ी घटना नहीं है। लॉ हैज टू बी इक्वल फॉर ऑल पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। So, if they are actually concerned about lynching, they should have talked about lynching of Hindus also, क्योंकि Hindus की भी lynching होती है भारत के अंदर, मगर नहीं, उनको तो सिर्फ Dalits और Muslims, ये दो शब्द का प्रयोग करना था अपने letter के अंदर, and ये दिखाता है उनका दोगलापन। नमस्कार।